हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है आज शनिवार का, तारीख है 2 जुलाई और सुबह के बज गए हैं 5 और बिल्कुल धुंधला सा मौसम आपको दिख रहा होगा। बारिश की वजह से जो है फोगी सा मौसम हो गया है। और जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बारिश से अगले दिन वो तीतरी आती है ना, तो वो तीतरी हर जगह बाल्टी में, टब में, हर जगह एक दूसरे से टक्कर खा के इसमें मतलब जगह जगह मरी पड़ी थी। तो सबसे पहले जो है मैं मशीन लगा रही हूँ और चाय पानी हमने ले लिया है। और चाय पानी लेके अभी 5 बज गए हैं, मैं 5 बजे मशीन लगा रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं, तब तक जो है मैं अपने फटाफट से कपड़े धोने का काम एटलीस्ट हमारा जो है वो हो जाए, मैं पूरी कोशिश जो है ये कर रही हूँ। तो अभी मशीन लगा लेती हूँ और साथ साथ में क्या है कि यहाँ पर जो एरिया क्या है, हिमांकल खेल रहा था तो इसने गंदा कर दिया। कुछ दोपहर को भी जो है थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, उसकी वजह से भी जो है वो हो गया है। तो मैंने सबसे पहले इसको क्लीन किया है और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग टूर नाइट रूटीन जो होता है ना, सुबह 5 बजे, सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के आप ये कह सकते हैं 10 बजे तक का रूटीन जो है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मैं कुछ आप लोगों के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी जो शेयर करूँगी, क्योंकि आज जो हम लोग बच्चों को भी जो है थोड़ा बहुत बाहर लेकर जाएंगे। काफ़ी टाइम से हम जो है वो कोशिश कर रहे थे कि हम बच्चों को बाहर लेकर जाएँ, लेकिन हिमांश के पापा को थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा था। फाइनली आज हम लोगों ने प्लान किया है कि आज थोड़ा शाम को जो है बच्चों को लेकर ज़रूर जाएंगे बाहर। और कपड़े इस वक्त जो है पूरे 1 वीक के हो गए बारिश की वजह से, अदरवाइज़ मैं हर तीसरे दिन मशीन लगा लेती थी। और ये एक्सपीरियंस जो होता है ना, वीक में एक बार मशीन लगाने वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता है। सारा दिन जो उसमें चला जाता है, मुझे कपड़े धोते धोते, घर का काम करते करते आज सारा दिन जो है वही चला गया। जब मैं तीसरे दिन मशीन लगाती हूँ, तीसरे या चौथे दिन लगाती हूँ, उसमें क्या होता है मेरे घर के काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बच्चों का खाना पीना, पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें आसानी से जो वो मैनेज हो जाती हैं। और घर के काम भी, कपड़े वगैरह जितना जो कुछ भी होता है, टोटल सारा काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। लेकिन जब वीक में लगता है ना तो बहुत ही बुरा रहता है भाई, सारा दिन खराब होता है, बॉडी पेन करती है, वो अलग थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर रात को काम करने का मन नहीं करता। क्योंकि कपड़े धोने में मतलब बहुत लंबा टाइम लगता है, फिर वो सूख जाए, उनको उतारो, तय वगैरह बनाओ। अभी देखो इस रूम का निपटा रही हूँ मैं काम, और हिमांक अभी तक जो है वो सो ही रहा है, वरुण जो है वो सोकर उठ चुका है। झाड़ू पोछा वगैरह मैं साथ साथ में लगा दूंगी। मेरा ये था कि जब तक स्लॉट मशीन के अलग अलग जो है वो चलते रहेंगे ना, तो तब तक मेरा झाड़ू और पोछा दोनों चीज़ें जो हो जाएंगे। और आलू वगैरह मैं उबाल के रख दूंगी, क्योंकि लास्ट मैंने जब आपके साथ कैप्सिकम की जो भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करी थी, तो उसमें ना आलू की थोड़ी सूखी सब्ज़ी बच गई थी एक्स्ट्रा, बच्चों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो बच्चों का यही कहना था कि आज भी उनको वही वाली सब्ज़ी खानी है, तो वही मैं सूखी सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए भी। ये था, सारे काम जो है वो टाइम से मैनेज हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, शांति मिलती है, दिल को मतलब ये रहता है, चिड़चिड़ापन भी नहीं होता है। और जब मेरा काम नहीं होता ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, मतलब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसी जो है वो हालत हो जाती है। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि अभी मैं जो मेरा सेकंड चैनल, जिसके बारे में आप बहुत कुछ पूछ रहे थे कि कौन सा है कौन सा है, वो मैंने 2 दिन से उसकी वीडियोस में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं उस चैनल को अभी मैं कंटिन्यू करूँ। सोच तो मैं देखो काफ़ी टाइम से रही हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको चैनल को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँ, रेगुलर रहूँ मैं उस चैनल पर। तब तक जो है डेली, उस पर डेली का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उस पर व्लॉग कम आएंगे। उस पर जो है जैसे हेयर के रूटीन है, फेस के रूटीन है, या कोई हॉल वीडियो है, जो जैसे सूटों का वीडियो है, जैसे कोई सूट का डिज़ाइन दिखाना है, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है अच्छी अच्छी जो है चीज़ें मैं उसके पर शेयर करूँ। अगर आपके पास भी कुछ आइडिया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, शेयर करना कि मैं और किस तरह की वीडियोज़ वगैरह उस चैनल पर मैं डाल सकती हूँ। क्योंकि वो चैनल मैंने बहुत ही अरमानों के साथ शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरा पहला चैनल हैक हो गया था, दूसरा चैनल मैंने शुरू किया, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं हिमांक के इलाज में बिजी हो गई और मैंने जो है कभी वीडियोस डालती कभी नहीं डालती। एक बार मैं रेगुलर हुई, फिर उसके बाद मैं खुद इतना बीमार हो गई थी, तो मैं दोनों चैनल्स पर मैं काम नहीं कर पाई, तो मैंने अपना चैनल छोड़ दिया, मैंने हिमांक का चैनल कंटिन्यू रखा। अब मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं अपने चैनल को भी मैं कंटिन्यू करूँ, बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ मैं।
तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी चीज़ें बताना कि आप लोग जो है किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करोगे उस चैनल पर। मेकअप वीडियोस भी हैं, हॉल वीडियोस भी हैं, जैसे हेयर केयर रूटीन या फेस केयर रूटीन, स्किन केयर रूटीन जिसे बोलते हैं वीकली, या मतलब जिस तरह की चीज़ें भी आप जो है देखना पसंद करोगे, या मेरे सूटों के डिज़ाइन वगैरह, मेरे सूट वगैरह देखना पसंद करो, आप जो कहोगे मैं वो वाली चीज़ें उसके साथ में शेयर कर दूँगी। मैं भी शायद मैं डेली तो ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक दिन छोड़ एक दिन मैं वीडियो डाल दूँ, या कोशिश करूँगी कि डेली भी डाल दूँ, मतलब जैसा भी मेरे पास टाइम होगा उसके हिसाब से मैं वीडियोस में डाल दूँगी, पूरी की पूरी मैं कोशिश करूँगी। बस अभी जो है मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दिया था, और जो मैंने एक्चुअली, आप ये सोचोगे कि टी शर्ट तो वही है, पजामी क्यों पहनी है। एक्चुअली क्या हुआ कि वो पजामी जो है वो थी पैंट, और वो पैंट अचानक से फट गई तो मुझे चेंज करना पड़ा अचानक से ही, बीच में ही। तो अभी बस ये कपड़े वगैरह साथ साथ में सुखा के, क्योंकि आलू उबल गए थे, इनको धो के साथ में सुखा के, क्योंकि इमांग भी सोकर उठ गया था, तो मैं खाने की तैयारी करूँगी। और इमांग के पापा ड्यूटी जा चुके हैं, उनका खाना पीना मैंने बना दिया था, मैंने अपना और बच्चों का नहीं बनाया था, हम बनाएंगे, अभी बनाएंगे और खाएंगे दोनों के दोनों, क्योंकि इमांग के पापा जो है जूस वगैरह जो है वो पी कर गए थे, खाना तो ऐसा कुछ खा नहीं खाया उन्होंने, उनका ये था कि मैं भी शायद थोड़ा जल्दी आ जाएँ, तो जूस वगैरह ही जो है वो पी कर गए थे। और यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ आलू और मेथी की सूखी सब्ज़ी, मैं नहा चुकी हूँ, झाड़ू पोछा सारा हो चुका है, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें मैं सुखा चुकी हूँ, सारा काम हो गया, बस अभी मेरा और बच्चों का नाश्ता होगा, वही हम करेंगे, और उसके बाद मैं करूँगी आराम, और थोड़ा बहुत जो जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करने रहते हैं ना थोड़े बहुत, क्योंकि क्या होता है ना बर्तन तो हर बार थोड़े बहुत जैसे भी होते हैं मैं साथ साथ में साफ़ करती रहती हूँ, जैसे भी मैं मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो उनको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जहाँ भी हो सकता है मैं थोड़ा टाइम बचाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो जी बस अभी यहाँ पर तड़का हमारा लग गया है, थोड़ा पानी डाल दिया था, और तड़का जैसे हमारा रेडी हो जाएगा, मैंने ये आलू जो है क्रश करके रखे हुए थे, सिर्फ दो आलू मैंने उबाले थे, ज़्यादा नहीं, ताकि मेरे और बच्चों का ही काम चल जाए, और यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, और सब्ज़ी हमारी हो गई है बनके रेडी, और साथ साथ में सब्ज़ी को भी एक बाउल में निकाल देंगे तार, और मैं साथ साथ में लगा लूँगी आटा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमांग के पापा तो जूस वगैरह पी कर गए थे, आज खाना ना के बराबर ही उन्होंने कुछ खाया है, तो इसीलिए अभी बस आटा लगा लेते हैं, सब्ज़ी भी मैंने निकाल के रख दी है ताकि ठंडी ना हो इतनी जल्दी, क्योंकि मैं क्या होती है जब मैं अकेली होती हूँ ना, हिमांग के पापा ड्यूटी पर होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम मैं ये करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ ही खाना खा लेती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हिमांग को और वरुण को अलग अलग देती हूँ खाने के लिए, वो दोनों एक साथ खाते हैं, वरुण फिर भी अपना पेट भर लेता है, हिमांग छोटा बच्चा है, तो हिमांग के साथ मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, हिमांग जितना अपने आप खा लेता है उतना खा लेता है, उसके बाद मैं उसे अपने साथ मैं ज़रूर खाना खिलाती हूँ ताकि उसका पेट जो अच्छे से भर जाए, क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं होता, वो मस्ती में अपने हिसाब से खाते हैं और वो पेट भर कर नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं उसको अपने हिसाब से भी खिलाती हूँ। बस खाना पीना हमारा हो गया है, अभी कर लेते हैं हम बर्तन साफ़, फिर मैं करूँगी आराम, सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे को ये था कि बस अभी मैं बिस्तर पकड़ लूँ, फिर ये था कि साथ साथ मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी, तो मैं थोड़ा आराम करके मैं उठूँगी, या थोड़ा बहुत सोकर मैं जब उठूँगी ना, तो मेरा मैं जब मैं किचन में घुसूँगी तो किचन मेरे मुझे ना साफ़ सुथरी दिखाई देगी, अगर मैं बिना बर्तन करे साफ़ करे आराम करूँगी ना, तो जब मैं आराम करके किचन में जाऊँगी तो बर्तन का ढेर दिखेगा और दिमाग में अलग सी घंटी बजनी जो वो शुरू हो जाएंगी। तो बस यही था, अभी हो गए हमारे बर्तन वगैरह, मैं साथ साथ में क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को भी मेरे को सुलाना भी है, और उसके बाद मैं एक सूट पर प्रेस करूँगी। सोचा तो मैंने ये था कि मैं जो जिस सूट पर मैं प्रेस करूँगी मैं वो वाला मैं जाऊँगी शाम को बाहर पहनकर, क्योंकि कॉटन का सूट है, क्योंकि पता है क्या, बारिश तो हुई है लेकिन अजीब सी ना एक उमस सी चिपचिपी सी गर्मी सी अजीब सी हो गई है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रही है। एसी चलाते उसमें ठंड लगती है, कूलर चलाते हैं ठंड लगते हैं, पंखे में इतना वो होता नहीं है, अगर पंखा ना चलाएं तो बहुत ही अजीब सी चिपचिपी सी गर्मी हो जाती है। अच्छा जी, साथ साथ में मैं क्या करती हूँ, मैं स्लैब वगैरह सारी चीज़ें साथ साथ में साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, जैसे कोने में बर्तन करती हूँ तो बर्तन जो है वो टपकता है पानी, तो उसमें थोड़े बहुत वाइट निशान हो जाते हैं, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, साथ में दोनों तरफ की जो साइडों की चीज़ें हैं उनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ये चीज़ें हाथ साथ में साफ़ करते रहें ना, तो क्या होता है
किचन एकदम चमक जाता है, मतलब फिर साफ सुथरा किचन दिखता है ना, तो नेक्स्ट टाइम उसमें काम करने का मन करता है। अगर आप किचन में पहले जा रहे हो, घुस रहे हो और फिर आपको पता चल रहा है किचन एकदम फैला पड़ा है, पहले आप उस किचन को संगवाओगे, सारा काम खत्म करोगे, उसके बाद जो है फिर बाद में नेक्स्ट काम जो है वो शुरू करोगे, तो आप ये देख लो कितना टाइम आपका वेस्ट होगा और दिमाग खराब होगा वो अलग, कि इतना सारा काम जो है वो पड़ा हुआ है। इससे अच्छा जो काम पता है क्या होता है, टाइम से जो काम कर देते, मान लो कोई काम हमें, जैसे मैंने अभी बर्तन साफ किए, वो काम 15 मिनट में मेरा हो गया था, 15 से 20 मिनट लगे थे बर्तन वगैरह साफ और स्लैब साफ करने में, लेकिन अगर इसी काम को मैं छोड़ देती ना, तो इसी काम में दोबारा अगर मैं हाथ लगाती तो मुझे कम से कम पौना घंटा एक घंटा ज़रूर लगता है इस काम को करने में। क्योंकि क्या होता है ना, बर्तन सूख जाते हैं, जूठे बर्तन जब सूख जाते हैं ना तो उनको साफ़ करने में बहुत लंबा टाइम, और एक बर्तन की चिपचिपाहट दूसरे बर्तन में लग जाती है वो अलग, तो और भी ज़्यादा दुगना टाइम जो है उसमें लग जाता है। बस अभी प्रेस करके और मैं भी करूँगी आराम, फिर शाम का मैं आपको दिखाती हूँ मैं हम बच्चों को कहाँ लेकर गए थे, और मैंने सोचा तो था मैं ये वाला सूट पहन कर जाऊँगी, लेकिन प्रोग्राम मेरा चेंज हो गया, जो मैंने पैंट पहनी हुई है ना इस वक्त, फिर मैं उसी का कुर्ता जो है फटाफट डाल के चलेगी, क्योंकि अचानक फ़ोन आ गया कि मैं आ गया हूँ तो तुम बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ। तो बस यही था, अभी हो गई है, करूँगी आराम, अभी चलते, शाम का टाइम हो गया है। और जाने से पहले आज मैंने क्या किया, जाने से पहले मैंने रात के जो है सब्ज़ी भी बना कर रख दी थी, आटा भी लगा कर मैं रख कर आई हूँ, ये था कि क्या पता कितना लेट हो जाए आते आते, और हमें आते आते 8:30 हो गए थे, 6 बजे हम निकले थे। और यहाँ पे हिमांक है, दिशु है और वरुण है, सारे बच्चे हैं तीनों, दिशु हमारे साथ ही आई है और यहाँ पर कर रहे हैं मस्ती, और देखो हिमांक को देखो सबसे ज़्यादा ऊपर जो है चढ़ने का लगा हुआ है, और हमारे यहाँ ना पास में मेला लगा हुआ था, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि मेला लगा हुआ है, तो वही मेला है, उसी मेले में हम बच्चों को लेकर गए थे, लेकिन लेकर तो गए रात को ना, वही हुआ लाइटों के उसमें ना फिर वही मक्खियाँ आनी शुरू हो गई, बहुत बुरा हाल हो गया, और इतना खास वो भी नहीं था, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही कम लोग जो है वो आए हुए थे इस बार, ऐसी खास जो रौनक होती है ना मेले में वो वाली चीज़ नहीं थी। और ये है भेलपूरी जो भैया बना रहे हैं, और हमने भेलपूरी भी खाई, गोलगप्पे भी खाया, और इतने तीखे गोलगप्पे थे ना, जलजीरे का पानी जो वो डला हुआ था बहुत ज़बरदस्त वाला, और भेलपूरी भैया ने अच्छी बनाई थी, बच्चों के हिसाब से बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई, और ये वाला झूला भी बहुत ज़बरदस्त था। ये धीरे 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 करके कितनी ऊंचाई तक ये जा रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ नीचे से शुरू हुआ था और ऊपर इस चोटी तक देखो ये धीरे धीरे करता हुआ चला गया, फिर ये अचानक से फिर ये नीचे आएगा, और इसमें चारों तरफ जो है वो बंदे बैठे हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।